बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समाधान यात्रा में निकले। चंपारण से उन्होंने समाधान यात्रा की शुरुआत की। समाधान यात्रा कामों का देखरेख और पदाधिकारियों के साथ बातचीत और किए जा रहे काम को मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से निकाली गई है। समाधान यात्रा चंपारण से होते हुए 18 जिला में गुजरेगी। 8 रात नीतीश कुमार जी अपने आवास पटना पर नहीं रहेंगे। समाधान यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। चंपारण से प्रारंभ की गई है, वाल्मीकि नगर से यह समाधान यात्रा प्रारंभ की गई है, लेकिन पदाधिकारियों को डर सताने लगा है कि नौजवान, बेरोजगार युवक और किसान और महंगाई को लेकर लोग या युवा वर्ग व्यवधान इस यात्रा में न डाले, इसलिए प्रशासन मुस्तैद है। कहा यह भी जाता है कि सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि शिक्षक वर्ग और युवा वर्ग, किसान वर्ग किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे, इसलिए पैनी नजर रखनी है। समाधान यात्रा पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है, भाजपा के नेता, यह समाधान यात्रा नहीं व्यवधान यात्रा है। और महागठबंधन के ही साथी जीतन राम मांझी पूर्व सीएम ने कहा है कि समाधान यात्रा में नीतीश कुमार को आम लोगों से मिलकर बात करनी होगी, तकलीफ सुननी होगी और क्या समस्या से वो जूझ रहे हैं इस पर उनकी बात सुनकर विचार करना होगा। समाधान यात्रा निकाले जाने से केवल पदाधिकारियों के साथ बैठक करने से वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं होगी। प्रशासन से घिरे रहने पर आम लोगों की बात नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचेगी और यह समाधान यात्रा सुपर फ्लॉप हो जाएगा। समाधान यात्रा निकाले जाने से युवा वर्ग और शिक्षक वर्ग और किसान को यह उम्मीद थी कि नीतीश कुमार से मिलकर अपनी समस्याओं को बताऊंगा, लेकिन प्रशासन को हिदायत दी गई है कि युवा वर्ग, किसान और शिक्षक वर्ग समाधान यात्रा में व्यवधान न डाले, इसलिए विशेष निगाह रखनी है। अब आप सोच सकते हैं कि यह समाधान यात्रा किस प्रकार की समाधान यात्रा है जिसमें आम लोगों से नीतीश कुमार की बात नहीं होगी। नीतीश कुमार चल रहे कार्य, विकासात्मक कार्य की समीक्षा करेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, काम की मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन आम लोग से नहीं मिलेंगे। आम लोगों से भय है नीतीश कुमार को, व्यवधान पैदा होने का भय नीतीश कुमार सीएम बिहार को है। शिक्षक युवा से वो भयभीत हो रहे हैं। अब 18 जिला का यह समाधान यात्रा का मकसद क्या है नीतीश कुमार जी का, यह तो वे स्वयं जाने, लेकिन युवा, किसान और शिक्षक को इस यात्रा से दूर रखे जाने की हिदायत दे दी गई है। अब देखना है आगे इस कार्यक्रम में क्या व्यवधान उत्पन्न होता है या सुनियोजित तरीके से समाधान यात्रा नीतीश कुमार जी का सफल होगा, वक्त रहते ही पता चल पाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।